आज हम हिमाचल प्रदेश के उस दुर्गम गांव में जा रहे हैं। सुना है वहां गणेश चतुर्थी ठेठ पहाड़ी अंदाज में मनाई जाती है। ओम गण गणपतये नमः। देश के विभिन्न भागों में गणेश चतुर्थी से लेकर मूर्ति विसर्जन तक गणेश उत्सव की धूम रहती है, परंतु हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के भटवाड़ी गांव में जिस तरीके से प्रथम पूज्य श्री गणेश की शोभा यात्रा निकलती है वह अद्भुत होती है, अनुपम होती है। हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम आपको भगवान गणेश की इसी शोभा यात्रा को दिखाने जा रहे हैं। बस देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल, इसे सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। मंडी शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भटवाड़ी गांव में शिव पार्वती पुत्र गणेश जी का पैगोडा शैली का मंदिर है, जो बेखल के पेड़ से बना पूरे हिमाचल प्रदेश में एकमात्र मंदिर है। तीन छत वाला ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बना है। गणेश चतुर्थी के दिन सभी गांव वाले उपवास रखते हैं और सांध्य बेला में शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद ही उपवास को तोड़ते हैं। शोभा यात्रा आरंभ होने से पूर्व धनोटू मदैनी चमेलर खानदान के लोग अलग अलग दिशा से आकर देवता को पुष्प अर्पित करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस उत्सव की ये है कि संतान की चाह रखने वाले निसंतान दंपति गणेश चतुर्थी से 2 दिन पूर्व यहाँ आकर चेहरा ढककर एवं मौन रखकर 3 दिन तक उपवास रखकर ठहरते हैं, जिससे उन्हें गणेश जी के आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह असाध्य चर्म रोगों से पीड़ित व्यक्ति भी इस अवसर पर यहाँ आकर रोग से मुक्त हो जाते हैं। शोभा यात्रा भंडार गृह से आरंभ होती है। ढोल नगाड़े करनाल रणसिंगे शहनाई की गूंज के साथ इस यात्रा में आगे आगे भजन कीर्तन करते युवाओं की टोली, उसके पीछे लोक वादक, उसके बाद झंडे छड़ी फलौरे उठाए कार्यकर्ता और आखिर में गणेश भगवान के छोटे और बड़े रथ चलते हैं। मार्ग में श्रद्धालु देव रथों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नमन करते हैं। जब तक ये शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण में नहीं पहुंचती, तब तक वहाँ श्रद्धालु महिलाएं भजन गाते हुए वातावरण को भक्तिमय बनाए रखती हैं।
मंदिर प्रांगण में पहुंचकर शोभा यात्रा का दृश्य अलौकिक दिखाई देता है। मंदिर के अंदर देवता के दोनों रथों को विराजित करने के साथ ही ये शोभा यात्रा संपन्न होती है।